लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। ऐसे में कर्नाटक में अचानक से कई अश्लील वीडियो वायरल होते हैं। वीडियो में रोती बिलखती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं। रातों रात कर्नाटक की सियासत में भूचाल सा आ गया। दरअसल अश्लील वीडियो में जिसका नाम उजागर हुआ है वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्राज्वल रेवन्ना है। प्राज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का एक केस दर्ज हुआ है जिससे पूरा परिवार चर्चा में आ गया है। कथित सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे HD रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्राज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे थे। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं। प्राज्वल रेवन्ना के 3000 अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें से उसने अपनी मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिला अधिकारियों, कॉर्पोरेट, पार्टी के नेता जैसे 200 से अधिक के साथ भयानक तरीके से प्रताड़ित करने और रेप करने के मामले सामने आए हैं। दरिंदगी वाली बात यह है कि रेवन्ना खुद सबके वीडियो भी रिकॉर्ड किया करता था। हर उम्र की महिलाओं और यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियों भी उसकी हवानियत का शिकार हुई हैं। प्राज्वल रेवन्ना के मामले में कर्नाटक पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे में बताया कि हासन में लोगों के बीच बांटे गए एक पेन ड्राइव में 2976 से ज्यादा वीडियो क्लिप थे, जिनमें से कुछ सेकंड वाले वीडियो थे और कुछ कई मिनटों के वीडियो थे। रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने की भनक लगते ही वो शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गया था और इस मामले में रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। प्राज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता HD रेवन्ना ने कहा कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से ही तय था और उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ FIR होने वाली है। इस सेक्स स्कैंडल के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी BJP पर सवाल दाग दिए हैं। क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। वही प्राज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व CM और JDS नेता HD कुमार स्वामी ने कहा, यह हमारे परिवार की छवि को नष्ट करने के लिए कांग्रेस की चाल है। देवगौड़ा जी या मेरी क्या भूमिका है, हम उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आनंद फानंद में विदेश कैसे भाग गए, उनके विदेश जाने की भनक आखिर कैसे किसी को नहीं लगी। दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ कांग्रेस टू डिमिनिश द डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द फैमिली हियर। द वे इन विच द कांग्रेस फ्रेंड्स दे आर अलर्जिंग टुवर्ड्स अवर family. You can see it. What is the role of Devegowdaji or what is the role of myself in this incident? We are not responsible for all those things. That is individual issue of Prajwal Revanna. Okay, you discuss Prajwal Revanna? No, I have not in contact with him. I have no contact with him. Shouldn't he be brought before the law? Shouldn't he be brought before the law? Shouldn't he return to me? That responsibility is the government. Not my responsibility. It is the responsibility of this government. Sir, FIR registered, accused number one is HD Revanna also, sir. Are you taking any action against HD Revanna? No. What is the charge of... No, just a minute. Sir. Why are you so hurry? No, sir. Why are you so hurry? No, problem, sir. Go ahead. This kind of thing, anybody, any party has taken any decision, but morally we are decided to take some decision. That is the difference of our party's decision and other... The Congress party decision. What is that decision? Several issues. We can quote the how these Congress friends they behave. Several issues. But here we will take the responsibility, even though we are not party to all these things.